नमस्कार, मैं हूं क्राम सोलंकी। आप देख रहे हैं निमाड़ का दबंग न्यूज। पलसुद नगर में हो सकती है अब पानी की समस्या। 8 करोड़ के लगभग की मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना डूब में जाती हुई नजर आ रही है। जी हां, पलसुद नगर में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के अंतर्गत लगभग 8 करोड़ की लागत से इंटेक वेल फिल्टर प्लांट व 8 लाख लीटर क्षमता वाली पानी की टंकी का निर्माण किया गया है। इससे नगर की वर्षों पुरानी भीषण समस्या का निराकरण हुआ था। हुडको द्वारा पोषित इस योजना के अंतर्गत निर्माण की शुरुआत वर्ष 2017-18 में हुई थी। वर्ष 2018 में योजना के तहत सारे निर्माण कार्य पूर्ण कर लिए गए थे तथा इसी वर्ष से नगरवासियों को फिल्टर युक्त पानी भी मिलने लगा था, लेकिन अब इस योजना पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। योजना के अंतर्गत लोअर गई बांध पर बने इंटेक वेल के माध्यम से पानी फिल्टर प्लांट तक पहुँचाया जाता है। नगर से लगभग 6 किलोमीटर दूर चिखलिया गाँव में नगर परिषद का इंटेक वेल बना हुआ है। 23 सितंबर की रात में हुई तेज बारिश से लोअर गोई बांध का जल स्तर बढ़ा है। इस कारण बैकवाटर इंटेक वेल के पुल के बराबर पहुंच गया है। वर्तमान में बांध का जल स्तर 298.50 है। पार्षद सिराज खान व पार्षद प्रतिनिधि कालू नायक ने बताया कि बांध की अधिकतम जल भराव क्षमता 300 मीटर है। ऐसे में यदि बांध को पूर्ण क्षमता से भरा गया तो इंटेक वेल के डूबने का खतरा है। वाटर लेवल बढ़ चुका है, जैसे डैम का वाटर लेवल बढ़ने की वजह से इंटेक वेल डूब में, अरे पहले ऐसा डूब में नहीं था। इसकी लापरवाही सर, किसकी लापरवाही से? लापरवाही तो स्पष्ट है, देखने पता चलेगा। अभी फिलहाल हम लोग कुछ कह नहीं सकते लापरवाही के विषय में, तो जैसे मापदंड के अनुसार ही बनाया होगा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में। सर, नगर में जल प्रदाय अब किस प्रकार किया जाएगा? हम लोग जल व्यवस्था वर्तमान में नगर परिषद के ट्यूबवेल है, कुआ है, जिससे हम लोग जल व्यवस्था सप्लाई निरंतर नगर में व्यवस्था प्रभावित नहीं होने देंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। इसको लेके कोई कार्रवाई सर? और हमने इस संबंध में डूब के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को भी कार्यालय को अवगत करा चुके हैं।